वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल. आई एम सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12 की हिस्ट्री का चैप्टर 11, रिबेल एंड राज. तो ये हमारी बुक 3 का चैप्टर 2 है हिस्ट्री की. 11 चैप्टर पे आज हम पहुंच गए हैं. नाम है इसका रिबेल एंड राज. और एज यू नो दैट 2020 में आपके जितने भी नेम्स हैं ना, 2020 के बाद से अगर आगे का कोई बच्चा देख रहा है तो ये जितने भी चैप्टर्स हैं इनके नाम बदल गए हैं. रिबेल्स एंड राज से अब इसका नाम हो गया रिप्रेजेंटेशंस ऑफ 1857. बट जो चैप्टर के अंदर का कंटेंट है उसमें कोई चेंज नहीं है. और आप लोगों के पास न्यू बुक्स भी नहीं है अभी अगर 2020 के बच्चों की बात करो तो. दिस चैप्टर नेम इज रिबेल एंड राज. अंदर का पूरा सेम है. बस आपको ये जरूर याद रख लेना कि इसका नाम बदल गया है अब. और नाम क्या हो गया है? रिप्रेजेंटेशंस ऑफ 1857. अब न्यू नेम क्यों रखा ये तो नहीं पता, बट न्यू नेम बिल्कुल इससे मैच करता है क्योंकि इस पूरे चैप्टर में हम रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे जो 1857 रिवोल्ट में हुई थी. जो रिकॉर्ड्स हमारे पास है 1857 की जो रिवोल्ट थी उसके, उसी के हिसाब से हम इस चैप्टर को फुल डिटेल में पढ़ेंगे. देखो हम इसमें पहले रिवोल्ट के बारे में पढ़ेंगे जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ पहला हमारा आंदोलन, आप एक तरीके से पहला आंदोलन जो कह सकते हो आप, जो शुरू हुआ था, दैट वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर. कि किस तरीके से सिपाहियों ने एक आवाज उठाई ब्रिटिश रूल के खिलाफ लड़ने की. बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, थोड़ा लेंदी जरूर है. देखो इनमें 1857 को जितने भी मेरठ के कैंटोनमेंट सोल्जर्स होते हैं दे लॉन्च अ म्यूटिनी. मेरठ के कैंटोनमेंट सोल्जर्स ने म्यूटिनी लॉन्च कर दी. व्हाट इज म्यूटिनी नाउ? देखो ये जो वर्ड है हम पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे, सो यू हैव टू नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड म्यूटिनी. म्यूटिनी तब होता है जब जो सोल्जर्स हैं वो जो उनके ऊपर की जो अथॉरिटी है उसकी बात सुनना मना कर दे, उसकी बात नहीं सुने एंड उन्हीं के खिलाफ उनको ही चैलेंज करने लग जाए उनकी अथॉरिटी को. जैसे कि अभी हमारी आर्मी है, आर्मी के सोल्जर्स है, अगर उन आर्मी सोल्जर्स ने जो जनरल है आर्मी का उसकी बात सुननी बंद कर दी या हमारी गवर्नमेंट की बात सुननी बंद कर दी और उन्होंने अपनी एक एसोसिएशन बना के गवर्नमेंट के या फिर अपनी अथॉरिटी के खिलाफ खड़े होने लग जाए तो उसको कहते हैं म्यूटिनी. वैसे ही हुआ था हमारे 1857 की रिवोल्ट के टाइम पे. उस समय पे सोल्जर्स का हेड कौन था? ब्रिटिशर्स. उस समय सोल्जर्स जो थे, जो हमारी आर्मी थी मेरठ के जो कैंटोनमेंट सोल्जर्स थे, उनका हेड कौन था? उनके हेड थे ब्रिटिशर्स. तो उन्होंने म्यूटिनी लॉन्च करी अगेंस्ट द अथॉरिटी ऑफ द सोल्जर्स. अब म्यूटिनी क्यों लॉन्च हुई थी वो तो हम आगे पढ़ेंगे, हर बच्चे को पता भी है हमें क्यों हुई थी वो म्यूटिनी लॉन्च. चैप्टर में उसके बारे में हम अभी रुक के पढ़ते हैं. तो इस म्यूटिनी में इन्फैंट्री इन्वॉल्व थी. नाउ व्हाट इज इन्फैंट्री? इन्फैंट्री मतलब सोल्जर्स ही होता है. और कैवलरी इन्वॉल्व थी. कैवलरी कौन होते हैं? जो घुड़सवार सोल्जर्स होते हैं वो इन्वॉल्व थी. एंड इन फैक्ट इज 1857 का रिवोल्ट में जो पहला रिवोल्ट हमारा हुआ था, शुरुआत कब हुई? 10 मई 1857. वेरी इंपॉर्टेंट, आपको वन मार्क में याद रखना है और जो क्वेश्चन आंसर आएगा उसमें मेंशन करना है. इसमें ऑर्डिनरी पीपल ने भी हिस्सा लिया था, हमें पता चलेगा अभी ऑर्डिनरी पीपल ने भी हिस्सा क्यों लिया. तो सोल्जर्स हो गए, ऑर्डिनरी पीपल हो गए, सब एकजुट होकर इकट्ठा आए टू फाइट द ब्रिटिश रूल. सबसे पहले क्या करा आप सोल्जर्स? बहुत हमारे स्ट्रैटेजी से चले. मेरठ के जितने भी सोल्जर्स थे, कैंट के, कैंटोनमेंट के सोल्जर, सबसे पहले उन्होंने जो बेल ऑफ आर्म्स था उसको कैप्चर कर लिया. बेल ऑफ आर्म्स वो जगह थी जहाँ पे सारे मिलिट्री हथियार, एमिनेशन, कार्ट्रेजेस पड़ी रहती थी. तो अगर उनका जो असला है, जो उनके सारे के सारे जो उनकी एम्युनिशन है, अगर उसी को तुम संभाल के रख लोगे ब्रिटिशर्स की, उन्होंने उसकी अपनी स्ट्रैटेजी देखो कितनी अपनी दिमाग से बनाई उन्होंने, जो सारा का सारा एम्युनिशन था उसी पे कब्जा कर लिया, जिससे कि कोई और जो ब्रिटिश के सोल्जर्स हैं वो उन पे जो कह सकते हो आप एक तरीके से हमला ना कर पाए. तो सबसे पहला जो सबसे अच्छा काम उन्होंने करा जो अपने दिमाग से चले, वो बेल ऑफ आर्म्स को ही उन्होंने, जो एक गोदाम में सारे के सारे एम्युनिशन रखी हुई थी उसको उन्होंने कैप्चर कर लिया. और फिर धीरे धीरे उन्होंने वाइट पीपल के ऊपर अटैक शुरू कर दिया. वाइट पीपल मतलब जितने भी ब्रिटिशर्स उस समय पे रह रहे थे, उनके बंगलों में फायर लगाई, लूटपाट करी, और वो गलत नहीं थे. हम आगे पढ़ेंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया. और धीरे धीरे ये जो अटैक था, ये जो आप कह सकते म्यूटिनी थी, ये बड़े लेवल पे बढ़ती रही. क्या करा उन्होंने? रैनसैक्ड, यानी कि जितने भी ब्रिटिशर्स थे सारे सोल्जर्स मिल गए, सारी की सारी ऑर्डिनरी जनता मिल गई, और एक तरीके से ऐसा हो गया कि अब तक ब्रिटिशर्स को खत्म करके रहना है, ऐसी सिचुएशन हो गई थी. जो टेलीग्राफ लाइन जाती थी टू दिल्ली, अब जो मेरठ में रह रहे हैं, मेरठ दिल्ली आप सबको पता है पास पास में है, तो जितने मेरठ में ब्रिटिशर्स रह रहे होते तो वो लाइन डाल के, तार भेज के, आपने सुना होगा मूवीज में बोलते हैं टेलीग्राफ से तार भेजी जाती थी, तो वो लाइन डाल के दिल्ली को इन्फॉर्म कर सकते थे कि देखो मेरठ में ऐसा हो रहा है. बट जो हमारे सोल्जर्स है बहुत चलाकी से चलते हैं, उन्होंने दिल्ली जाने वाली टेलीग्राफ लाइन भी काट दी. उसके बाद उन्होंने जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग थी उन पर अटैक करना शुरू किया. उन्होंने पोस्ट ऑफिस पे, जेल पे, बैंक पे उनको लूटा, उनको जलाया और उन पर अटैक करा. ठीक है, उसके बाद डार्कनेस में, यानी कि रात को सारे के सारे कुछ कुछ सिपाहीज सोल्जर्स ने, इस पे हम सिपाहीज वर्ड बोलते, तो कुछ कुछ सिपाहीज गए हमारे कहाँ? दिल्ली में गए.
11 मई की अर्लिंग मॉर्निंग, सुबह सुबह रमज़ान का महीना चल रहा था, रोज़ों के महीने चल रहे थे, उस समय सुबह सुबह वो कहाँ पहुँचते हैं, दिल्ली के रेड फोर्ट, जहाँ पे उस समय बहादुर शाह जफर कर रह रहे होते थे। आप सबको पता है बहादुर शाह जफर वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द मुगल किंगडम, ठीक है, एक तरीके से लास्ट रूलर ही थे वो। तो वहाँ पे वो उस समय रमज़ान का महीना था, तो अभी अभी उन्होंने अपनी प्रेयर कंप्लीट करी थी और वो अभी सुबह सुबह का ही टाइम होता है, तो उनके पास एक मैसेज आता है। उन्होंने अभी खाना वाना ब्रेकफास्ट करके अपना हाथ वाथ धोए होते हैं हमारे बहादुर शाह जफर ने, और उनके पास एक मैसेंजर आता है और कहता है कि मेरठ से सिपाही आए हैं आपसे मिलने के लिए। सिपाही आते हैं और वो बताते हैं कि हम मेरठ से आए हैं और हमने मेरठ के जितने भी वाइट्स थे उनको मारा है। अब उनको क्यों मारा है, क्यों म्यूटनी लॉन्च करी, ये बात हमें सिपाहीज ने जब दिल्ली गए तब हमें पता चली। क्यों? क्योंकि अभी एक नए टाइप की कार्टरेज आ गई थी जिसको दांत से रीलोड करना पड़ता है। आपको पता है ना बंदूक को रीलोड करना पड़ता है, तो उसको रीलोड करने के लिए दांत से खींचना पड़ता था और उसको जो उसकी जो कार्टरेज थी उसके ऊपर फैट चढ़ा हुआ था, किसका, पिक का और काउ का। तो वो दोनों ही धर्म, हिंदू और मुस्लिम, दोनों के ही धर्म के खिलाफ है। हिंदूज के लिए काउ बहुत पवित्र होती है और मुस्लिम्स के लिए जो पिग है वो बहुत अपवित्र होता है, मतलब वो देखना भी बहुत गलत है उस चीज़ को। तो इसी तरीके से दोनों के ही धर्म के खिलाफ बात थी ये, काउ और पिग दोनों के ही धर्म के विरुद्ध थी, इसको छूना भी या इसके साथ कुछ गलत करना भी। तो इस तरीके से ऐसा जब ब्रिटिशर्स ने करा, अब उनको कार्टरेज मुंह में डालनी पड़ती, तो ये चीज़ हमारे सोल्जर्स से सहन नहीं हुई और उन्होंने म्यूटनी को लॉन्च कर दिया। एंड दे वर वेरी राइट, इट वाज द फर्स्ट टाइम आप टेक्निकली अगर कहूँ तो हिंदूज और मुस्लिम दोनों यूनाइट हो गए थे क्योंकि दोनों के ही धर्म के खिलाफ ये बात थी, ठीक है। तो वो कार्टरेज जो थी उसको फैट में जो उस होता है उससे कुछ उसका उस पर कोटिंग हो रखी थी उसकी। तो ये बात उन्होंने जो मैसेंजर ने बता दी बहादुर शाह जफर को। अब वो एक्चुअली में आते क्यों हैं बहादुर शाह जफर के पास, सिपाही आते हैं बहादुर शाह जफर के पास उनकी परमिशन लेने के लिए। देखो अब इतना बड़ा रिवोल्ट लॉन्च कर दिया था तो किसी लीडर की छत्र छाया में ही तो होगा वो, तो इस तरीके से वो टेक्निकली अगर आप कहो तो वो उनकी लेजिटिमेशन लेने आते हैं। वो उनसे कहने आते कि आप हमें अपनी छत्र छाया दे दो कि हम आपकी लीडरशिप के अंदर में अपनी सारे की सारा ये रिवोल्ट करेंगे। जैसे आगे चल के दांडी मार्च करवाई, महात्मा गांधी उसके लीडर थे, तो उसी तरह से ये तो बहुत पुरानी बात है उससे। तो ये उनसे लेजिटिमेशन लेने आए थे, मेरठ से वो सिपाही क्यों गए थे, लेजिटिमेशन लेने गए थे। उन्होंने बता दिया कि अब हम दिल्ली में जो यूरोपियन रहते हैं उनको भी अटैक करेंगे, उनको भी किल करेंगे। तो लेजिटिमेशन लेने ये आते हैंगे अपने बहादुर शाह जफर से। 12 एंड 13 मई तक, 11 मई को ये आए थे, 12 और 13 मई तक जो म्यूटनी थी, यानी कि ये जो रिवेंज था, ये जो रिबेल था, ये लॉन्च हो गया पूरे के पूरे दिल्ली में, वेस्ट दिल्ली तक ये पहुंच गया। दैट मीन्स हमारे जो बहादुर शाह जफर थे उन्होंने लेजिटिमेशन यानी उन्होंने रजामंदी दे दी थी। अभी हम आगे इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि रजामंदी उन्होंने अपनी इच्छा से नहीं दी थी, उन्होंने प्रेशर में आके वो रजामंदी दी थी रिवोल्ट लॉन्च करनी थी, बिकॉज आर सोल्जर्स वर वेरी डिटरमाइंड। हमारे सोल्जर्स जो थे, जो सिपाहीज थे, वो समय पे बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड थे, अब उनको ब्रिटिशर्स के रूल को ख़त्म करना था। नाउ वी विल स्टडी द पैटर्न ऑफ रेबेलियन, यानी कि हाउ द म्यूटनीज बिगेन। अब कैसे म्यूटनीज बिगेन हो गए, ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ना वॉज नॉट एन ईजी टास्क, किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई। तो देखो क्या होता था, उन्होंने बिल्कुल अपना एक नेटवर्क और अपना जाल बिछा रखा था, एक से दूसरे आप कह सकते हो कंपार्टमेंट में, एक से दूसरे कैंटोनमेंट्स में, रेजिमेंट्स में जो बातचीत होती थी बहुत तरीके से होती थी। न फोन होते थे उस समय में, पर तब भी उनका कम्युनिकेशन नेटवर्क बहुत अच्छा खासा बना हुआ था। शुरुआत कैसे होती थी कि म्यूटनी लॉन्च करने, चलो ब्रिटिशर्स के घर फोड़ने चल रहे हैं हम, तो वो कैसे होता था, एक सिंगल फायरिंग होती थी इवनिंग के समय पे, बुलेट से फायर होती थी तो सिग्नल मिल जाता सबको कि अब हमें चलना हैगा। और कभी कभी साउंड निकलती थी बगल में से, बगल की जो साउंड होती थी, एक कोई डिवाइस होता होगा ये, उसकी साउंड निकलती है, आई डोंट नो, ठीक है, तो मैं पता होगा तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में व्हाट वाज द साउंड ऑफ बगल, लेट्स सी यू नो और नॉट, ठीक है। और क्या करते थे वो, गवर्नमेंट, जैसे ही ये साउंड निकली तो समझ में आ गया कि अब हमें गवर्नमेंट की बिल्डिंग को अटैक करना है, जेल को, पोस्ट ऑफिस को अटैक करना है, और जो रिकॉर्ड रूम्स होते थे जहाँ पर सारा रिकॉर्ड रखा है रेवेन्यू का और बाकी चीज़ों का, उनको जला दिया गया, ब्रिटिशर्स के सारे रिकॉर्ड जला दिए जिससे उन्हें आगे चल के प्रॉब्लम हो। और ये फर्स्ट टाइम था जब सबने कहा कि टू प्रोक्लेम यूनिटी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैनी बुद्धिस्ट, जैन्स बुद्धिस्ट, हर कोई इकट्ठा हो गया क्योंकि ये सबके धर्म पे जब बात आई तो सब लोग इकट्ठा हो गए, और जब सब लोग इकट्ठा हुए तो ब्रिटिशर्स के ऊपर प्रेशर बना। हिंदू और मुस्लिम
ने क्या लॉन्च कर दिया, टू एक्सटर्मिनेट फिरंगीज। फिरंगीज कहते थे हम ब्रिटिशर्स को, फिरंगी मतलब बाहर से आए हुए फॉरनर। तो दोनों ही हिंदू मुस्लिम, सबसे मेजॉरिटी तो यही है हमारी हिंदू मुस्लिम, दोनों ने कह दिया कि अब तो हम फिरंगियों को बाहर निकाल करेंगे, वी विल एक्सटर्मिनेट फिरंगी। और ये जो क्या कहते हैं इसमें, मैंने जैसे आपको बताया ऑर्डिनरी पीपल भी इन्वॉल्व थे, ऑर्डिनरी पीपल में मेनली पीजेंट्स भी आते हैं। पीजेंट्स कौन हो गए, जो लैंडलेस फार्मर्स टाइप हो गए, जो दूसरों के लैंड पे काम करते थे, उन्होंने भी इस रिवोल्ट को क्या वो भी इन्होंने भी इस रिवोल्ट में हिस्सा लिया। और इन्होंने इस रिवोल्ट में अटैक करा मनी लेंडर्स को ऑफ लखनऊ, कानपुर एंड बरेली। देखो ये जो ब्याज पे पैसा देते हैं ना मनी लेंडर्स, ये खून चूस लेते हैं हमारे पीजेंट्स का, उनसे इतना ज़्यादा ये लोग इंटरेस्ट रेट लेते हैंगे, उनसे काम करवाते रहते हैं और उनकी लाइफ बिल्कुल हेल जैसी होती है। तो ये जब रिवोल्ट शुरू हुआ तो जितने भी पीजेंट्स थे ना, उन्होंने ऑब्जेक्ट बना लिया। ऑब्जेक्ट बनाना सब्जेक्ट प्रेडिकेट ऑब्जेक्ट हमें पता है ना, तो वो ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, साथ में वो ब्रिटिशर्स के साथ में मनी लेंडर्स को भी खींच लेते हैं इस रिवोल्ट के अंदर कि हम इनसे भी बदला लेंगे बिकॉज दे आर अलाइज ऑफ ब्रिटिशर्स। क्यों? क्योंकि मनी लेंडर्स क्या थे, भूखे थे वो पैसों के, वो हमेशा ब्रिटिशर्स की बात सुनते रहते थे, ब्रिटिशर्स के अंडर में काम करते थे और पीजेंट्स को बहुत ऑप्रेस करते थे। तो सोल्जर्स ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ अपनी आवाज उठाई एंड उसी समय पीजेंट्स ने जो मनी लेंडर्स थे उनके खिलाफ अपनी आवाज उठाई। एंड बुक में वर्ड लिखा है कि दैट मनी लेंडर्स वर द अलाय ऑफ ब्रिटिशर्स। एंड ये एक ऐसा टाइम आ गया था भैया, लोगों को लगने लगा था दैट जो ब्रिटिश रूल है इट विल कोलैप्स इन इंडिया। जो ब्रिटिशर्स ये जो इतने मजे में आगे रहने लगे हैं, ब्रिटिश रूल विल कोलैप्स। एंड जो म्यूटिनी थी वो कैसे शुरू हुई, म्यूटिनी मैंने आपको पहले बता दी, सिपाहीज ने शुरू करी। फिर म्यूटिनी से हमारा फर्स्ट रेबेलियन यानी कि आंदोलन शुरू हो जाता है। और इस आंदोलन को देख के बहुत ज़्यादा डर लग जाता है हमारे हर एक ब्रिटिशर्स को, उनके तो बंगलों पे लूट कर रहे थे, आग जल रही थी, रेड पड़ रही थी, मतलब वो लोग उनसे मारने किलिंग करने के लिए हमारे सोल्जर्स जा रहे थे। तो एक ब्रिटिश ऑफिसर्स ने इस पूरे सिनेरियो को समझाया, क्या लाइन देखे कि ब्रिटिश रूल कोलैप्स हो रहा था लाइक अ हाउस ऑफ कार्ड्स। आपने देखा है ताश के पत्तों के घर को फूंक मारोगे तो वो ऐसे नीचे से ऊपर तक गिर जाएगा पूरा का पूरा, तो उसी तरीके से ब्रिटिशर्स पूरे गिरने लग गए थे। जब हिंदू मुस्लिम सोल्जर सब लोग इकट्ठे हो गए इंडिया के, तो एक सेकेंड में ब्रिटिश रूल की छुट्टी होने वाली थी। सो आप पढ़ते हैं लाइन ऑफ कम्युनिकेशन दैट किस तरीके से ये इतना बड़ा, मैंने आपको बताया मेरठ से फिर दिल्ली में गया, फिर और भी बहुत सारे रीजन्स में ये स्प्रेड हुआ। तो उस समय पर मोबाइल फोन तो नहीं था कि व्हाट्सएप करके बता दिया जी अब वहां पे ये करना है, नहीं। तो उस समय पे कैसे लाइन ऑफ कम्युनिकेशन चलती थी, लेट्स स्टडी। ओके, तो लेट्स स्टडी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। देखो हमारे पास कोई पक्का एविडेंस नहीं है दैट हाँ वो इस तरीके से करते होंगे, बट हम लोगों ने ऑब्जर्व करा किसको, सिमिलैरिटी इन द रिवोल्ट। यहाँ देखो आप, अब जितना भी रिवोल्ट जहाँ भी इंडिया के जिस जिस रीजन में, जैसे कानपुर में हुआ, अवध में हुआ, जहाँ भी हुआ, देयर वॉज अ सिमिलैरिटी इन द रिवोल्ट। जो रिवोल्ट करने का तरीका था बिल्कुल मैचिंग था, सेम टू सेम था, तो दैट मीन्स लोगों के बीच में कुछ कम्युनिकेशन ज़रूर था। सेकेंडली ये दिख रहा था कि सारे की सारी जो रिबेलियंस थे, सारी की सारी इसमें इन्फेंट्री, नेटिव इन्फेंट्री, 41-42 ये वर्ड्स तुम्हें मिलेंगे पढ़ने को। दैट मीन्स वो रेजिमेंट्स के नाम होते हैं, या आप एक तरीके से कह सकते हो तो कि वो आप कह लो वो सोल्जर्स का बैटालियन हो गया इस तरीके से। तो उन सबके बीच में कोई ना कोई कम्युनिकेशन जरूर होता था, वो कैसे होता था वो हमें नहीं पता है, बट देयर वॉज अ कम्युनिकेशन। वो जो कुछ भी प्लान कर रहे थे बिल्कुल कोऑर्डिनेशन से वो प्लान करके चल रहे थे। और जो डिफरेंट कैंटोनमेंट्स के जो सिपाही थे, यानी कि डिफरेंट रेजिमेंट्स के कैंटोनमेंट के जो सिपाही थे वो एक दूसरे से कम्युनिकेशन जरूर कर रहे थे। सेवेंथ जो अवध कैवलरी थी, सेवेंथ अवध कैवलरी जो थी, उन्होंने उनको जब पता चलता है कि ये कार्टरेजेस के में कोटिंग हो रखी है पेग और गाय की मीट की या जो भी कौवा फैट की, तो उन्होंने भी उस कार्टरेज को यूज़ करने से मना कर दिया। फिर उन्होंने वो इन्फॉर्मेशन पहुँचा दी अपनी नेक्स्ट जो हमारी नेटिव इन्फेंट्री थी, 48th नेटिव इन्फेंट्री, उनको भी बता देते हैं जी इसमें ऐसे ऐसे कोटिंग हो रखी है, आपको भी ये यूज़ नहीं करनी है, एंड वी शुड वर्क अकॉर्डिंग टू द फेथ। हमें अपने धर्म के खिलाफ थोड़ी चल जाएंगे भैया इन ब्रिटिशर्स के लिए, ऐसे कैसे उसको अपने मुंह से हम उसको रीलोड कर देंगे। तो ऐसे ही पहले सेवेंथ अवध कैवलरी को पता चला, फिर वहां से 48 नेटिव इन्फेंट्री को पता चला, और सब ने रेबेलियन स्टार्ट कर दिया। अंग्रेजों के घरों पे उन्होंने रेड करनी, बंगलों जलाने शुरू कर दिए। क्यों? बिकॉज दे वर वेरी एंग्री कि वो ऐसा अंग्रेज हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। और एविडेंसेस हमें शो करते हैं कि प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन थी, बट हाउ इट वॉज मेड, फिर वही क्वेश्चन आ गया कि वो कैसे बनाते थे। कोई इन्होंने कुछ प्लानिंग वाली अपनी कुछ, जैसे अभी हमारे पास इतनी सारी एजेंसी है, रॉ है, ये है, वो है, वो बैठ के प्लान करती हैं, तो इन्होंने भी कोई अपनी एजेंसी बनाई थी, इनके पास कोई CIA थी जो बैठ के डिस्कशन कर रही थी। उस सब का कोई एविडेंस तो नहीं है, बट ऑब्वियस है कोई ना कोई एसोसिएशन तो होगी ही। एक एग्जाम्पल है जिससे हमें
थोड़ा सा पता चल रहा है दैट यस देयर वॉज एसोसिएशन. कैप्टन हर्सी थे अवध के. ठीक है, कैप्टन थे मतलब कि वो जो मिलिट्री थे उसके कैप्टन थे. उनको जब सब ब्रिटिशर्स को मारा जा रहा होता है, अबावन में भी सारे ब्रिटिशर्स को मारा गया, तो उस समय पे कैप्टन हर्सी को नहीं मारते. जो मिलिट्री पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, मिलिट्री सिपाहीज होते हैं, वो कैप्टन हर्सी को छोड़ देते हैं, वो उनको अपनी प्रोटेक्शन दे देते हैं. अब जब वहाँ पे म्यूटिनी लॉन्च होती है तो 41st नेटिव इन्फेंट्री, कंफ्यूज मत होना बस ये नाम है, तो जब म्यूटिनी लॉन्च होती है यानी कि चलो शुरू हो गया भैया अपने काम पे लग जाओ, अब ये हमें ब्रिटिशर्स को निकालना है यहाँ से बाहर. ठीक है, तो जब म्यूटिनी लॉन्च होती है तो 41st नेटिव इन्फेंट्री कहती है कि जो कैप्टन हर्सी को तुमने छोड़ा है, उसको मिलिट्री प्रोटेक्शन दिया, इसको भी मारो. तो वो अपनी वो बात बताते होंगे कि नहीं अभी हमें इन्हें नहीं मारना है. तो उसके लिए एक पंचायत बैठती है, कहाँ पे एक पंचायत बैठती है, कानपुर के अंदर रात में पंचायत बैठी. और तब जितने भी सिपाही हो गए हमारे कॉमन लाइन ऑफ सिपाहीज थे और जो इन्फेंट्री के मेंबर्स थे, वो बैठ के डिस्कशन करते हैं कि ये जो कैप्टन हर्सी है इनको मारना है या नहीं मारना है. देखो दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बस ये तो मैं इसलिए बताया है कि देखो अब हमें पता चल गया कि कानपुर में रात को पंचायत होती थी, वहाँ पे कॉमन लाइन्स ऑफ सिपाही थे, यानी कि सारे जो सिपाही थे इकट्ठे वो लोग एक जगह पे रह रहे होते थे. कोई कोई तो सेम होम टाउन के भी होते थे, कईयों की कास्ट भी सेम होती थी, तो वो सब इकट्ठा बैठकर अपने फ्यूचर के लिए डिसाइड करते थे कि किस तरीके से हम ब्रिटिशर्स को निकालें और अपनी कंट्री को फ्री कराएं. तो अभी कैप्टन हर्सी के ऊपर डिस्कशन कहाँ हुआ पंचायत में, तो दैट मीन्स उनके पास कोई ना कोई एसोसिएशन थी जहां पे वो उन्होंने इतनी बड़ी ये जो म्यूटिनी थी उसका प्लानिंग करा था. तो कैप्टन हर्सी बस आपको इसलिए ही याद रखना था. एंड ये 46 इन्फेंट्री नेटिव इन्फेंट्री, दिस इज जस्ट द नेम्स. ठीक है, तो विद दिस हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट होने ही वाला है. नाउ लेट्स स्टडी दैट किस तरीके से ये जो रेबेलियन था, लीडर्स एंड फॉलोअर्स. जो भी रेबेलियन होता है, जो भी कोई रिवोल्ट हुई है, देखो उसको लीड करने के लिए कोई चाहिए. जैसे आई टोल्ड यू दैट डांडी मार्च को किसने लीड करा, महात्मा गांधी ने लीड करा, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी हमारा कौन कौन से कितने सारे हम उन्होंने अपने जो नेशनलिस्ट मूवमेंट होते हैं उनको लीड करा था. तो ऐसे ही कोई ना कोई लीडर चाहिए होता है किसी भी मूवमेंट के लिए. अब हमने जैसे पढ़ा कि जितने भी जो लोग थे, जितने लोगों ने रिबेलियन स्टार्ट करा, दे मूव टूवर्ड द एक्स लीडर्स. अब ब्रिटिशर्स के आने से पहले भी तो कोई ना कोई राजा था, कोई ना कोई लीडर था जो पूरे शहर को गांव को चला रहा था, तो सब उनके पास जाते हैं कि आप फिर से हमारे को लीडर बनो और हम इन अंग्रेजों को भगाएंगे. जैसे कि जो मेरठ के सिपाही थे वो किसके पास गए, बहादुर शाह जफर के पास, दिल्ली के, उनकी लेजिटिमेशन देने के लिए. अब आ गए हम उस बात पे जब मैंने कहा था कि वो चाहते नहीं थे लेजिटिमेशन देना बट उन्हें देनी पड़ी. क्या होता है जब बहादुर शाह जफर का फर्स्ट रिएक्शन बड़ा हॉरर वाला होता है कि भाई अब तुम ब्रिटिशर्स के खिलाफ जा रहे हो, तो वो डर कर जाते हैं और वो लेजिटिमेशन नहीं देना चाहते. बट जो सिपाही होते हैं, सारे के सारे सिपाही, जो नॉर्मल कोर्ट प्रोसीजर होता है, अभी हमने मुगल वाले चैप्टर में पढ़ा था कि मुगल कोर्ट के अंदर बहुत तहजीब से जाया जाता हैगा, तो वो नॉर्मल कोर्ट की एंट्री को डिफाइंस करते हैं, आपकी बुक में वर्ड लिखा है, यानी कि वो बिल्कुल कोर्ट के अंदर घुस जाते हैं सारे के सारे सिपाही, एंड वो उनको कहते हैं कि हमें लेजिटिमेशन दो. तो प्रेशर में आके जो बहादुर शाह जफर है अनविलिंगली अपनी लेजिटिमेशन दे देते हैं और ये हो जाता है कि मुगल किंग के अंडर में ये रिवोल्ट स्टार्ट हो गई है. ऐसे ही हमारा कानपुर के अंदर जो सिपाहीज है वो नाना साहिब पेशवा, जो पेशवा बाजीराव टू के सक्सेसर थे, बेटे थे, उनके अंडर में हमारा कानपुर के अंदर जो हम उनकी लीडरशिप में कानपुर में म्यूटनी लॉन्च होती है. झांसी की रानी को भी फोर्स करा जाता है अंडर द पॉपुलर लीडरशिप कि वो भी एक लीडर बने और वो भी म्यूटनी को संभाले, रेबेलियन को संभाले. वैसे ही आरा बिहार, तो मैंने यहाँ सबके देखो लिख दिए हैं, कानपुर में किसने संभाला, नाना साहिब ने, झांसी में झांसी की रानी ने संभाला, आरा बिहार में कुंवर सिंह एक लोकल जमींदार थे, अब ये राजा नहीं थे, कुंवर सिंह जो एक लोकल जमींदार थे उन्होंने संभाला. अवध के अंदर रिसेंटली जो नवाब वाजिद अली शाह थे उनको डिस्प्लेस करा था ब्रिटिशर्स ने, तो लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा था कि ऐसे कैसे उनके नवाब को डिस्प्लेस कर दिया गया है. तो अवध में ऐसा हुआ था. उसके बाद अवध लखनऊ, दे आर नियर ओनली, तो लखनऊ के अंदर जो उनके बेटे थे, कौन, नवाब वाजिद अली शाह के जो बेटे थे बिरजिस कादर, उस समय पे उनको लीडर बना दिया जाता है, वो तो उनको डिस्प्लेस कर दिया जाता है. जो उनके बेटे होते हैं बिरजिस कादर, उनको हेल करा जाता है. हेल मतलब क्या, उनके नारे लगने लगते हैं कि अब ये हमारे लीडर बन गए हैं, अब हम एक मोर्चा यानी कि रिबेलियन लॉन्च करेंगे इनकी लीडरशिप में और हम अंग्रेजों को भगा देंगे. तो खाली राजा रानी नवाब तालुकदार सिर्फ यही
ही नहीं थे, इनफैक्ट ऑल्सो ऑर्डिनरी और रिलीजियस मैन वुमेन, प्रॉफिट्स हो गए, मौलवी हो गए, पंडित हो गए बड़े बड़े, उन सब ने भी जिम्मेदारी ली लीडरशिप की। क्यों देखो, पीजेंट्स हो गए, ऑर्डिनरी मैन हो गए, सोल्जर्स हो गए, कोई लीडर तो चाहिए, एक लीड करेगा एक फॉलो करेगा, तो उस तरीके से उन्होंने अपने लीडर्स चुने एंड जो हमारी ये प्यूरी म्यूटनी थी इट वॉज लॉन्च्ड। मेरठ में देखो क्या हमें एक सीन बता रखा है, मेरठ में एक फकीर कौन होते हैं, फकीर जो होते हैं वो एक एलिफेंट के ऊपर बैठे हुए आते थे सिपाही से मिलने के लिए, दैट मीन्स कोई कम्युनिकेशन नेटवर्क चल रहा है, फकीर आ रहा है एलिफेंट के ऊपर बैठ के सिपाही से बात करने के लिए, और जो रिलीजियस लीडर्स हो गए, प्रॉफिट्स हो गए लखनऊ के, उन वो भी कम्युनिकेशन सिस्टम में इन्वॉल्व थे, लोकल लीडर्स, पीजेंट, जमींदार, सब लोग मिले हुए थे इस लोकल रिवोल्ट के अंदर। तो बहुत फेमस लोकल पीपल के बारे में बताया, ऐसा नहीं था कि खाली राजा रानी ही लीड कर रहे थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाया था हमारे लोकल लोगों ने भी। फॉर एग्जाम्पल शाहमल, बुक में एक सोर्स बेस भी दे रखी है, वो एक सोर्स बेस की वीडियो अलग बनाऊंगी, उसमें शाहमल और जो नेक्स्ट दे रखे हैं उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो शाहमल जो बारत विलेज था यूपी का, वहाँ पे उन्होंने आंदोलन को लीड करा, और गुन्नू जो थे, गुन्नू उन्होंने छोटा नागपुर में आंदोलन को लीड करा था। गुन्नू कौन थे, जो कोल ट्राइब थी उसके लीडर वो बने छोटा नागपुर प्लेट्यू में, और उन्होंने सारी की सारी ट्राइब को लीड करा कि अब हम सब इकट्ठे होंगे जो ब्रिटिशर्स हैं उनके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। तो इस तरीके से आपने को पूरा ये याद रखना है, मेरठ के सिपाही ने दिल्ली से लीडरशिप नियुक्शन ली, बहादुर शाह जफर से ली, और कानपुर में नाना साहिब से, झांसी में झांसी की रानी से, आरा बिहार में कुंवर सिंह से, और अवध में उन जो ब्रिजिस कादर थे जो नवाब वाजिद के बेटे थे उनसे ले गई, और लोकल लोग में आपको शाहमल और गुन्नू का नाम याद रखना है। तो विद दिस आपका फॉलोअर्स एंड लीडर्स भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे 1.4, र्यूमर्स एंड द प्रॉफिट्स, यानी कि अब ये जो र्यूमर्स होते थे, ये जो बातें फैली ना कि ये पिग पिग की कोटिंग है, ये काउ की कोटिंग है, ये आग की तरह फैली पूरे इंडिया के अंदर। क्यों, हमारे धर्म पे बात आ जाए तो हमारी तलवारें तो उठ ही जाएंगी, सही बात है बिल्कुल। तो ये जो बात थी, ये र्यूमर था, ये आग की तरह फैला पूरे इंडिया में, एंड जो रिवोल्ट था उसने भी बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट हो गया, एंड जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत ज़्यादा उस समय पे डर गए थे, दे थॉट दैट उनका जो रूल है वो हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह बिल्कुल ही कोलैप्स हो जाएगा। लेट्स स्टडी द र्यूमर एंड द प्रॉफिट्स। तो देखो उस समय पे कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत एडवांस नहीं था, तो ये जो बात थी कार्टरेजेस वाली, ये इतनी आगे इसने कैसे पकड़ी, ये कैसे फैली, क्यों, क्योंकि दोनों के ही धर्म के ऊपर बात आ रही थी और अलग अलग तरीके से लोगों के कान में ये बात पड़ती थी, इसलिए इसको क्या बोला गया, र्यूमर। किसी को किसी तरीके से पता चलती थी, किसी को किसी तरीके से पता चलती थी। लेट्स स्टडी। तो जैसे हमने सबसे पहले सिनेरियो में क्या देखा कि मैसेंजर्स गए, हमारे सिपाही गए बहादुर शाह जफर के कोर्ट के अंदर, और उन्होंने बताया जो इनफाइल्ड राइफल है उसकी कार्टरेज की जो ग्रीसिंग है वो पिग और काउ के फैट से हो रखी है और उसको दांत से रीलोड करना पड़ता है, तो कोई भी उसको छुएगा भी नहीं। तो आपको यहाँ राइफल का नाम पता चल गया, कौन सी राइफल, इनफील्ड राइफल जो थी उसकी कार्टरेज की यहाँ पे बात हुई है। इसी तरीके से ये जो र्यूमर था, ये फॉरेस्ट फायर की तरह, र्यूमर मतलब क्या हुआ, ये जो बात थी ये फॉरेस्ट फायर की तरह पूरे नॉर्थ इंडिया में फैल गई, एंड ऐसे ही जैसे लोगों को सुनने को अलग अलग तरीके से मिलती थी, डायरेक्ट ये बात नहीं मिलती थी कि हाँ भैया ऐसी राइफल हो गई, अलग अलग लोगों ने, एक आपने देखा है ना हम चाइनीज विस्पर एक गेम खेलते हैं, एक के बाद एक चीज़ें उसमें ऐड होती रहती हैं, तो वैसे ही जब ये बात पूरे में फैली तो अफवाह टाइप बन गई। लेट्स स्टडी। जैसे कि कैप्टन राइट की एक रिपोर्ट दी हुई है, रिपोर्ट कहाँ पे है आपकी, राइफल इंस्ट्रक्शन रिपोर्ट 1857 में होता है ये, थर्ड वीक ऑफ जनवरी, इस रिपोर्ट में दे रखा है, राइफल इंस्ट्रक्शन रिपोर्ट 1857 थर्ड वीक ऑफ जनवरी की रिपोर्ट में दे रखा है कि एक लो कास्ट खलासी था, व्हाट इज लो कास्ट खलासी, एक सेलर टाइप की लो कास्ट आपने मान लो, बस एक लो कास्ट खलासी था जो डमडम मैगजीन में वर्क करता था, वो एक बार एक ब्राह्मण सिपाही से मांग कहता है कि मुझे अपने लोटे में से एक घुट पानी दे दो, मुझे एक सिप वाटर दे दो। तो जो सिपाही है, ब्राह्मण होता है, वो लो कास्ट को पानी देने से मना कर देता है। तो उस समय में जो वो जो लो कास्ट खलासी होता है वो सड़ के, यानी कि उन्हें बहुत बुरा लगता है, वो उस समय पे उसको कहता है दैट तुम मुझे पानी देने से मना कर रहे हो इस कास्ट के, इस जाट पात के बेसिस पे, एक दिन ऐसा आएगा जो तुम्हें अपनी दांत से एक राइफल रीलोड करनी पड़ेगी, कार्टरेज रीलोड करनी पड़ेगी जो पिग और काउ के फैट में ग्रीस्ड होगी। तो ऐसी बात जो थी ये पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया में फैली कि ऐसे खलासी ने उसको रूमर क्या फैला कि जो ब्रिटिशर्स है ये हमारा कास्ट सिस्टम बिल्कुल डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, हमारे धर्म को खत्म करना चाहते हैं, ये आटे के अंदर पिग और जो काउ हो गया उसकी जो बोन्स है उसका चूरा मिला
रहे हैं आटे के अंदर, इसलिए और ये लोग इस टाइप का र्यूमर्स फैलने लगे कि ब्रिटिशर्स हमारे धर्म को, धर्म और जो हमारा फेट है उसे छेड़छाड़ कर रहे हैं और वो ज़बरदस्ती इंडियंस को क्रिश्चियनिटी में परिवर्तन कराएंगे, उनका क्रिश्चन बनने पर मजबूर करेंगे, इस तरीके के र्यूमर्स। और एक और चीज़ थी, क्या होता था, चपातीज का सर्कुलेशन होता था। क्या होता था, देखो नाइट में एक पर्सन जाता था चपाती लेके, जो टाउन का वॉचमैन होता था उसे चपाती देता था और उसको कहता था कि 3-4 चपाती और बना के वो अगले टाउन में तुम्हें या अगले विलेज में तुम्हें सर्कुलेट करनी है जैसे। तो ये इसका कुछ मीनिंग नहीं पता लोगों को कि क्यों चपाती में कुछ हिडन मैसेज था या क्या था, चपाती देने का मतलब क्या था, बट इट वॉज अ काइंड ऑफ अ ओमन ऑफ अपहीवल, यानी कि कुछ चीज़ पकड़नी होती है लोगों को, यानी कि सबको जागरूक करने के लिए वी नीड समथिंग। तो उस तरीके से ये चपाती वाला सिस्टम चला कि एक सिपाही जाता था, चपाती देता था वॉचमैन को, फिर वो आगे देते थे, फिर वो आगे देखते थे। तो फिर इस तरीके से आप कह सकते हो मे बी उसके अंदर कोई सीक्रेट मैसेज लिखा हो। तो इस तरीके से ये जो बात थी कार्टरेज वाली, ये पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया में फैल गई। तो विद दिस हमारा ड्यूमर्स एंड प्रॉफिट भी कंप्लीट हो गया है। अब हमें नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करना है, एज यू नो ये चैप्टर लेंदी है, सो लेट्स स्टडी। टॉपिक में हम पढ़ेंगे व्हाई डिड पीपल बिलीव ऑन रूमर्स, यानी कि अभी जो लास्ट हमने पढ़ा कि रूमर्स, खलासी और लो कास्ट वाला जो रूमर हो गया और जितने रूमर्स थे वो उन पे लोग बिलीव क्यों करते थे। अब ये बात सच थी, र्यूमर्स थे या प्रोफेसी। प्रोफेसी क्या होती है, जो बहुत समय से कोई बात चली आ रही होती, किसी ने कहा होता है एंड उस बात को सब लोग सच मानते आ रहे हैं बहुत समय से। तो जो रूमर्स हैं एंड प्रोफेसी है उनकी एक्यूरेसी, एक्यूरेसी मतलब हमें नहीं, हम जान नहीं सकते कि वो सच है या झूठ है। अब अफवाह है, अफवाह सच भी हो सकती है, झूठ भी हो सकती है, हमारे पास कोई तरीका नहीं है जानने का कि वो एक्यूरेट है या नहीं। बट जो कोई भी अफवाह है वो तब फैलती है जब लोगों के डर और लोगों के सस्पिशन के ऊपर कुछ बात आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक तरीके से आप कहो आग तभी लगती है जब कोई चिंगारी होती है, यानी कि अफवाह तभी फैलती है जब लोगों के फियर्स के ऊपर बात आ जाती है। अब जैसे लोगों को कांटेरेज वाली बात की, वो इतनी तरीके से क्यों फैली कांटेरेज वाली बात, क्यों, क्योंकि सबके मन में डर पड़ गया, सबके धर्म के ऊपर बात आती थी, कोई भी उन राइफल्स की कांटेरेजेस को टच नहीं करना चाहता था। तो इसीलिए जब फियर और सस्पेशन के ऊपर बात आ जाती है तो अफवाह है वो बहुत अच्छे से फैल जाती है। तो र्यूमर्स जो 1857 के हमारे कह सकते हो आप एक तरीके से फैलने लगे थे, उन्होंने बहुत हमें तरीके से बता दिया था अबाउट द ब्रिटिश पॉलिसीज। देखो जो गवर्नर जनरल थे ना लॉर्ड विलियम, बहुत शुरू से ही लोगों ने बहुत अच्छे से भरोसा कर लिया कि हाँ भैया ब्रिटिशर्स ने ऐसा करा होगा, इन्होंने कार्टरेज को ऐसा बना दिया होगा, लोगों ने बहुत आसानी से उस बात को मान लिया। क्यों, क्योंकि इनकी हरकतें ही ऐसी थी, ये शुरू से ही हमारे साथ ऐसा काम कर रहे थे। क्या हुआ था, जो जनरल लॉर्ड विलियम थे वो हमेशा से चाहते थे कि जो वो इंडिया है उसको रिफॉर्म कर दे, इंडिया को रिफॉर्म करते, वो इंडिया के अंदर वेस्टर्न एजुकेशन, क्यों भाई हम तो हिंदी अपनी संस्कृत पढ़ रहे थे मध्य में, तुम क्यों वेस्टर्न एजुकेशन ला रहे थे, इन्हें इंडिया के अंदर वेस्टर्न एजुकेशन लानी थी। इन्होंने इंग्लिश मीडियम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज सेटअप करी, उसके बाद इन्होंने थोड़े बहुत अच्छे काम भी करे, इन्होंने 1829 के अंदर जो सती प्रथा चलती थी उसको खत्म करा दिया, फिर इन्होंने परमिट कर दी हिंदू रीमैरिज। तो एक तरीके से ये तो रिफॉर्म ही हुआ, तो लोगों को लगने लगा कि मे बी उन्होंने ये काम भी करा है, तो लोगों को विश्वास हो गया था हाँ उन्होंने करा होगा। तो रूमर्स इस वजह से फैले जा रहे थे और ये जो ब्रिटिशर्स थे ये हमारे हर एक स्टेट्स को कॉन्कर कर रहे थे। अवध को कॉन्कर करा इन्होंने, झांसी को करा, सतारा को करा, एनेक्स कॉन्कर वर्ड आएगा तो समझ जाना, कॉन्कर मतलब कब्जा कर रहे थे, हमारे बंगाल पे कब्जा करा इन्होंने, कब्जा कर रहे थे। क्या कहते थे कि जो हमारा प्रेजेंट रूलर है वो हमारी गवर्नेंस नहीं संभाल सकता, अब हम आके तुम्हें रूल करेंगे, हम तुम्हें दिखाएंगे कि कैसे गवर्नमेंट संभलती है, और आके उन्होंने पूरे इंडिया के ऊपर कब्जा कर लिया था अपना। सबसे पहले तो इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट करा, आके जो हमारी लिखी पढ़त होती है एडमिनिस्ट्रेशन वो संभाला, उसके बाद लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंस्टॉल कर दिया कि खेती करेंगे फार्मर लैंड रेवेन्यू देंगे, जमींदार को जमींदार देगा ईस्ट इंडिया कंपनी को, और लैंड सेटलमेंट करवाने शुरू कर दिए, जो तालुकदार थे जमींदार से उनसे जमीन छीन के उनके एक्चुअल जो ओनर्स थे उनको दी और पीजेंट्स को उन पे काम करवाया। तो ये आके इंडिया के साथ प्रॉपर तरीके से छेड़खानी कर रहे थे। इसका जो इम्पैक्ट था नॉर्थ इंडियन पीपल के ऊपर बहुत बुरा पड़ा, क्यों, हम बहुत सालों से उन राजाओं के साथ रह रहे थे और पीजेंट जमींदार भी आपस में रह ही रहे थे, बट अब जब ये एलियन लोग आए, यूरोपियंस वर द एलियन फॉर अस, हमारे लिए कौन है वो, हम क्यों उनकी बात माने, ठीक है हम अपने राजा की बात मान रहे हैं, वो हमारे धर्म का है उसकी बात हम मानेंगे, जमींदार है हमारा भाई ही है एक तरीके से,
हमारे धर्म का है, हमारी नेशनलिटी का है, उसकी बात हम मानेंगे, बट ये यूरोपियन कौन है, दे आर एलियन, हम क्यों इनकी बात माने? और इनका रूल बिल्कुल ऑप्रेसिव था। ऊपर से ये चाहते थे कि क्रिश्चियन मिशनरीज एक्टिविटी, ये चाहते थे हम क्रिश्चियन बन जाए, तो लोगों को ने एक सेकंड में इनके जो र्यूमर्स थे उस पर विश्वास कर लिया। क्यों? बिकॉज ये आके पूरे के पूरे इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने चाहते थे, इसलिए ये जो रूमर्स थे ये बहुत स्विफ्टली मूव ऑन करके। रूमर्स क्यों बोला जा रहा है, कंफ्यूज मत होना, जैसे ये जो कार्टिलेज वाली बात थी ना, ये पूरे नॉर्थ इंडिया में फैली, ये बता रहे हैं कि ये बात कैसे क्यों इतनी जल्दी फैल गई थी। दिस इज व्हाट इट इज। नाउ वी विल स्टडी द टॉपिक टू अवध इन रिवोल्ट, यानी कि अवध में रिवोल्ट कैसे शुरुआत हुई, वो सब हम पढ़ेंगे। इसका फर्स्ट टॉपिक है अ चेरी दैट विल ड्रॉप इन अ माउथ वन डे। देखो ये एक सेंटेंस था जो लॉर्ड डलहौजी ने बोला था। देखो अवध क्या है, जो यूपी का आई थिंक वेस्टर्न पार्ट है ना, वेस्टर्न ईस्टर्न पार्ट जो है, गंगाटिक प्लेन्स के पास वाला पार्ट है जो यूपी का, बहुत ही फर्टाइल प्लेन है ये, वो अवध हुआ था उस जमाने में। सबसे ज़्यादा आप कह सकते हो ये ऐसा टाउन था जहाँ पे आप कह सकते हो सबसे ज़्यादा ट्रेड वगैरह सब कुछ होता था, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलस टाउन था और स्टेट थी आप कह सकते हो, और बहुत ही इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग था और बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल सा ये जगह थी हमारी जो स्टेट थी। अब इन्होंने बंगाल झांसी वगैरह पे तो कब्जा कर लिया था, अब ये चाहते थे कि ये अवध को भी अपने कब्जे में कर ले। उस समय पे अवध में एक नवाब थे, नवाब का नाम अभी हमने यहाँ पे पढ़ा है, नवाब वाजिद अली शाह, जिनके बेटे अभी मैंने आपको बताया कादिर को उन्होंने अपना लीडर मान लिया था जब 1857 का रिवोल्ट हुआ। तो इसमें अब हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से नवाब को हटाया था इन ब्रिटिशर्स ने। तो डलहौजी ने क्या बोला कि अवध विल फॉल इनटू आवर माउथ लाइक अ चेरी, एक दिन अवध चेरी की तरह हमें मिल जाएगा, बहुत आराम से अवध भी हमारी मुट्ठी में हो जाएगा। और जिस दिन अवध मुट्ठी में हो गया इनकी ब्रिटिशर्स की, उस दिन उन्होंने पूरा का पूरा जो ब्रिटिश इंडिया था वो बना लिया था, उन्होंने हमारा पूरा इंडिया पे कब्जा कर लिया था जिस दिन इनको अवध मिल गया था। तो 1851 के अंदर जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी, उन्होंने पूरा अपना कह दी थी ये बात। कब कही थी उन्होंने ये बात, अ चेरी दैट विल ड्रॉप इन आवर माउथ वन डे, 1851 में कही थी। फन मार्क लिया आपको याद रखना है, किसने कही थी, लॉर्ड डलहौजी ने कही थी। उसके 5 साल बाद 1856 में फाइनली अवध को एनेक्स कर लेते हैं, यानी कि अवध पे कब्जा कर लेते हैं फाइनली। तो अवध पे कब्जा कब हुआ, 1856 में, फन मार्क आपको याद रखना है। पहले ऐसा नहीं कि एकदम से आके कब्जा कर दिया, नहीं, धीरे धीरे स्ट्रैटेजी वाइज ये चले। 1801 में इन्होंने सब्सिडरी अलायंस साइन करा विद द नवाब। अब सब्सिडरी अलायंस का साइड में बुक में छोटे से बॉक्स में दे रखा है, अभी समझा देती हूँ। इसमें क्या होता है कि नवाब के साथ एक एग्रीमेंट साइन हो जाता है कि नवाब अपनी खुद की मिलिट्री नहीं रखेगा, नवाब क्या ब्रिटिश सोल्जर हैं, वही नवाब की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी करेंगे। सेकंड चीज क्या हो गई, एक ब्रिटिश ऑफिसर्स का एक बंदा आके कोर्ट में रहेगा नवाब की, और वो नवाब को एडवाइस करेगा, नवाब उसके हिसाब से चलेगा। और अगर नवाब को कुछ भी डील करना है, नवाब को कोई वॉर करना है, एक्सटर्नल अफेयर, सब कुछ वो ब्रिटिशर्स से पूछ के करेगा, ठीक है। तो इस तरीके का इन्होंने एग्रीमेंट नवाब से साइन करा लिया। अब जब नवाब के हाथ से उसकी मिलिट्री चली गई, तो उनको जो लोकल पॉपुलेशन थी, जमींदार तालुकदार जो पीजेंस थे, उनको संभालना बहुत मुश्किल हो गया था। अब कोई उनकी बात ही नहीं सुन रहा था, क्योंकि उनके पास उनके सोल्जर्स तो थे नहीं, और ब्रिटिशर्स तो चाहते ही ये थे कि जो नवाब है उसकी पावर वीक हो जाए। और जैसे ही हमारे नवाब वीक हुए विदाउट मिलिट्री, उन्होंने क्या करा, हमारे नवाब को एग्जाइल कर दिया। विल स्टडी अगेन। और इतना इंटरेस्टेड क्यों थे अवध के अंदर, क्योंकि अवध, मैंने आपको बताया, गंगाटिक प्लेन्स, गंगा के प्लेन्स में आता था ये, यहाँ की सॉइल बहुत फर्टाइल थी, और ये यहाँ पे इंडिगो और कॉटन उगवाना चाहते थे, उसकी प्लांटेशन करवाना चाहते थे। दीज आर कैश क्रॉप्स, यानी कि इनसे बहुत ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है। दे वॉन्टेड दैट, इसलिए ये अवध को कॉन्कर करना चाहते थे। 1850 में इन्होंने ऑलमोस्ट पूरा इंडिया कॉन्कर कर ही लिया था, मराठा कॉन्कर कर लिया था, डायब रीजन कॉन्कर कर लिया था, कर्नाटक रीजन जो इन्होंने कॉन्कर कर लिया था, बंगाल भी और पंजाब भी, ये सब ये कॉन्कर कर चुके थे। एंड 1856 में इन्होंने अवध को भी कॉन्कर कर लिया। तो 1856 तक इनका पूरा कॉन्करेशन प्रोसेस, यानी कि कब्जा, इन्होंने पूरा हड़प लिया था हमारे इंडिया को, ठीक है। तो ये क्यों अवध को हड़पना चाहते थे अगर आ गया, तो ये देवर इंटरेस्टेड इन द इंडिगो एंड सॉय, इंडिगो एंड कॉटन, आप कह सकते हो प्लांटेशन, ये चाहते थे कि इंडिगो और कॉटन की प्लांटेशन हो, और सॉइल बहुत अच्छी थी, इसलिए भी ये अपने प्रॉफिट के लिए अवध को कॉन्कर करना चाहते थे। The life was gone out of the body. अब ये क्या है, यानी कि जब इन्होंने अवध को कॉन्कर करा, उन्होंने अवध के जो नवाब थे उनको एग्जाइल कर दिया, यानी कि उन्हें धक्के मार के बाहर निकल दिया, उनको कहा कि तुम राजा नहीं रहे हो, अब तुम राजपाट नहीं करोगे। तो उस समय पे लोगों ने क्या कहा उस चीज को, राजा के, नवाब के बाहर निकलने को, अपने कंट्री के अंदर से, अपनी स्टेट के अंदर से क्या बात बोल गई, द लाइफ वॉज गॉन आउट ऑफ द बॉडी, यानी कि शरीर के अंदर से जान निकल गई है। लेट्स स्टडी दिस टॉपिक।
द लाइफ वॉज गॉन आउट ऑफ द बॉडी. जब लॉर्ड डलोजी ने एनेक्स करा यानी कि कब्जा कर लिया था अवध के ऊपर, तो उसमें अवध के लोगों के मन में बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन, वो बहुत बुरे माना उन्होंने, एंड देवर नॉट इन पीस. जो अवध था वो नॉर्थ इंडिया का हार्ट था, जैसे ही मैंने तुम्हें बताया है कि जैसे ही उन्होंने अवध का एनेक्सेशन कर लिया वैसे ही पूरा का पूरा इंडिया इनके कब्जे में आ गया था. जो नवाब वाजिद अली शाह थे उनको एग्जाइल भेज दिया गया, यानी कि उनको निकाल दिया गया उनके स्टेट में से, अवध में से, और उनको कलकत्ता भेज दिया गया. और जो किस बेसिस पे उन्हें कहा कि उन्होंने, उनको बोला गया कि तुम मिस गवर्नमेंट करो, यानी कि तुम डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स, यानी कि तुम्हें तो सरकार चलानी आती नहीं है, हम तुम्हें निकाल रहे हैं, और नाउ वी विल टेक द रूल, अब ब्रिटिशर्स अवध को चलाएंगे क्योंकि नवाब को तो रूल करना आता ही नहीं है. इस ग्राउंड पे इन्होंने नवाब को एक्साइल करके भेज दिया. अब ये चीज़ इनको गलत लगी, इन्हें लगा कि नवाब वॉज नॉट अ पॉपुलर रूलर, अवध के लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, नवाब जाएंगे हम आएंगे, डजेंट मैटर. बट ऐसा नहीं था, नवाब वॉज वेरी पॉपुलर, नवाब से लोग बहुत प्यार करते थे, एंड इसीलिए जब नवाब जा रहे थे ऑल ओवर इन टीयर्स, सब बहुत परेशान थे. जब नवाब अपनी बेगम को लखनऊ छोड़ के आते हैं तो समय पे जब वो लखनऊ से कानपुर तक जाते हैं, लखनऊ कानपुर पास पास में है, तो लोग उनके पीछे चलते चलते जाते हैं दुख भरे गाने गाते हुए. ऐसे ही काफ़ी सारे राइटर्स एंड पोएट्स ने उनके लिए बहुत लंबी लंबी लाइन्स लिखी हैं, जैसे कि लाइफ वॉज गॉन आउट ऑफ द बॉडी, ऑनरेबल इंग्लिश मैन केम एंड टुक आवर कंट्री, ये आए अंग्रेज और हमारी कंट्री हमसे हड़प ली, इस तरीके की बातें लिखी गई हैं. अब जब नवाब डिसॉल्व, नवाब तो गए, साथ में जो कोर्ट था, कल्चर थी, भी डिसॉल्व हो गई, यानी कि जो कोर्ट में जितने लोग काम कर रहे थे, कुक हो गया, एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, पोएट हो गया, राइटर हो गया, डांसर हो गया, सब लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, बेरोजगार हो गए, और उनका लाइवलीहुड उनसे छीन गया और सब कुछ खाली खाली सा हो गया था. एवरीवन वाज लेफ्ट विदाउट अ लीडर. उनके लिए ब्रिटिशर्स कौन है, अवध वालों के लिए, इंडियंस के लिए ब्रिटिशर्स कौन थे, एलियन थे भाई, कहाँ से आ गए तुम कौन हो हमारे लिए, देवर एलियन फॉर अस. नाउ लेट्स स्टडी 2.2, फिरंगी राज एंड द एंड ऑफ द वर्ल्ड. जैसे ही फिरंगी राज स्टार्ट हुआ, यानी कि ब्रिटिशर्स का फुल रूल इंडिया के अंदर स्टार्ट हो गया, तो उस समय पे हमारे लिए एंड ऑफ द वर्ल्ड हो गया था. उस समय पे जितने एक चेन बन गई, प्रिंस, तालुकदार, सिपाहीस एंड पीजेंस, यानी कि जितने भी लोग पहले कभी लड़ते भी थे, जैसे कह रहे ना दुश्मन दुश्मन इकट्ठे हो जाते हैं एक के खिलाफ, तो ऐसे ही हुआ. अब हमारे पास एक ही दुश्मन था, कौन था, ब्रिटिशर्स. सब अपनी आपसी जो उनकी आप कह सकते हो राइवलरी थी उसको भूल के सब इकट्ठे हुए, एंड एवरीवन स्टूड अप अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स का 1857 के रिवोल्ट में. दे सेड एंड ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑफ देयर कस्टम्स, यानी कि खाली हमारा एंड ऑफ द वर्ल्ड क्यों बोला, क्योंकि ब्रिटिशर्स आगे खाली रूल नहीं कर रहे थे, इन्होंने लैंड रेवेन्यू सिस्टम लगा दिया, ये लगाया, वो लगाया, साथ ही साथ वो हमें वेस्टर्न बनाना चाह रहे थे, हमसे हमारी जो इंडियन कल्चर था उसको भूलने को कह रहे थे, सब चीज़ों से वो छेड़खानी कर रहे थे, हमारे को हमारे ट्रेडिशंस को भूलने को जो ब्रिटिशर्स थे वो फोर्स कर रहे थे. तो यही ट्रेडिशन की तरफ जो लॉयलिटी थी, हम हमेशा हमारे कल्चर के लिए लॉयल होते हैं, वही जो फीलिंग्स थी वो यूनाइट हुई इन 1857 रिवोल्ट, और लोग सब इकट्ठे आए एंड वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़े. सबसे ज़्यादा ये अवध में पॉपुलर हो क्यों, क्योंकि अवध वालों के लिए ब्रिटिशर्स कौन थे, एलियन थे. ठीक है, अब जब उन्होंने एनेक्स करा था ना अवध को एनेक्स करा, कब्जा करा, तो क्या करा उन्होंने, नवाब को तो डिस्ट्रॉय करा ही था, नवाब को तो भगा ही दिया था, तो साथ ही साथ इन्होंने तालुकदार कौन होते हैं, जैसे एक तरीके से आप जमींदारी कह सकते हो, इन पर बहुत सारी होती है ज़मीनें, ऑटोनॉमी भी होती है, यानी कि इनके पास काफ़ी सारे राइट्स भी होते हैं, इनके पास भी छोटा सा रूलिंग पावर होती है, आप एक तरीके से कह सकते हो. ये जो रेवेन्यू कलेक्ट करते अपने तालुक से, अपने लैंड से, वो नवाब को दे देते थे, नवाब के अंडर में तालुकदार काम करते थे. जब तक तालुकदार नवाब के अंडर में काम कर रहे हैं, उनसे हाँ जी हाँ जी कर रहे हैं, तब तक जो है तालुकदार नवाब पीसफुली रह रहे थे. अब जब नवाब को निकाला उन्होंने, तो तालुकदार की जो पावर्स थी उसको भी बिल्कुल ख़त्म कर दिया. इनफैक्ट जो तालुकदार थे उनके पास आर्मी भी होती थी, फोर्ट भी होती थी, ऑटोनॉमी भी होता था, और उन्हें रेवेन्यू भी मिलता था, और वो उस रेवेन्यू में से नवाब को भी पे करते थे. कुछ कुछ जो बिग तालुकदार्स होते थे उन पे 12,000 फुट सोल्जर्स की आर्मी भी होती थी, और स्मॉल वालों पे 200 सोल्जर्स की आर्मी होती थी. तो अगर एग्जाम में तालुकदार्स एक्सप्लेन करने को है तो तुम इसी लैंग्वेज में लिख सकते हो. अब इन्होंने क्या लगा दिया अवध के अंदर, समरी सेटलमेंट सिस्टम ऑफ रेवेन्यू इन 1856. कहा क्या करा इन्होंने, कहा कि जो तालुकदार है ना, इनकी जो ज़मीन है इनकी खुद की नहीं है, इन्होंने हड़पी ली हुई है किसी और से. अब समरी सेटलमेंट में इन्होंने ये कहा कि ये ज़मीन हम एक्चुअल ओनर को दिलाएंगे, और फिर एक्चुअल ओनर पीजेंट से काम कराएगा, और पीजेंट का जो ऑपरेशन है, यानी कि आपको पता है पीजेंट बेचारा किसान भाई हमेशा दबता है, तो वो करप्शन टाइप खत्म हो जाएगा और हम तालुकदार से ज़मीन छीन लेंगे. बट एज यू नो ऐसा कुछ नहीं हुआ, और भी ज़्यादा बुरी हालत हो गई थी हमारे पीजेंट्स की,
एज हमारी बुक में बता रखा है कि जो ताल्लुकदार होते थे वो हमेशा गंदे ही नहीं होते थे। कई ताल्लुकदार को जो पीजेंट्स होते थे फादर फिगर की तरह भी मानते थे, जैसे कि अगर क्रॉप फेलियर हो जाए तो ताल्लुकदार नहीं लेता था लैंड रेवेन्यू, बाद में ले लेता था। फेस्टिवल्स पे ताल्लुकदार लोन भी दे देते थे, तो जो पीजेंट्स थे फिर भी ताल्लुकदार से खुश थे। बट जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स तो उनके साथ एक किसी भी बात पर कॉपरेट नहीं करते थे, उन्हें लैंड रेवेन्यू टाइम पर चाहिए नहीं चाहिए तो वो ज़मीन उनसे हड़प लेते थे। तो पीजेंट्स वर नॉट हैप्पी विद द समरी सेटलमेंट सिस्टम। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने तालुकदार्स पे पहले 67% ऑफ विलेजेस थे अवध के, अब इन्होंने समरी सेटलमेंट लगा के, जब समरी सेटलमेंट लगाया तो सिर्फ 38% विलेजेस रह गए हमारे तालुकदार्स के हाथ में। और जो साउथ के जितने भी तालुकदार्स थे ना, साउथ अवध के तालुकदार्स थे, वो बेचारे उनके पास से उनकी सारी जमीन ही छिन गई थी, आप एक तरीके से कह सकते हो। तो दिस आई हैव टोल्ड यू। अब ये जो इन्होंने ब्रिटिशर्स ने सब कुछ लॉन्च करा, तो उसके यही सब बातें थी जिसकी वजह से वो बहुत, अब नॉर्मल जनता थी इंडिया की, देवर अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, टोटली अगेंस्ट। इन्होंने हमारे तालुकदार को हटा दिया, तो इस वजह से सब लोग इकट्ठे हुए। इनफैक्ट जब बेगम हज़रत महल, यहाँ मैंने लिखा है बेगम हज़रत महल जो थी, जब रिवोल्ट स्टार्ट हुआ 1857 का, तो जो तालुकदार थे पीजेंट्स थे दोनों इकट्ठे हो गए, उन्होंने बेगम हज़रत महल की मदद करी इन द रिवोल्ट। और जब वो हार भी गई तब भी उनके साथ में रहे, क्यों, अपने नवाब का बदला लेने के लिए सब लोग इकट्ठे हो गए थे। और एक और चीज़ थी जो सब लोगों को इकट्ठा लाई थी। अब ये सब में हम क्या पढ़ रहे हैं कि भैया ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ बहुत गलत करा, इसलिए सब लोग इकट्ठे हो रहे थे। मैंने आपको बताया ना, दुश्मन दुश्मन भी इकट्ठे हो रहे थे। 1820s में जब ब्रिटिश रूल इस्टेब्लिश हो रहा था, तो ये लोग क्या करते थे, जो सिपाही और वाइट ऑफिसर का, आप मानो वाइट ऑफिसर होते थे उनके अंडर में सिपाही सोल्जर्स काम करते थे आर्मी के, तो उस समय पे ये बहुत अच्छे से ट्रीट करते थे सिपाहियों को, खेलते थे उनके साथ, लेजर एक्टिविटी, रेस्लिंग करते थे, हिंदी भी बोल लेते थे और अच्छे से मजाक वजाक करते रहते थे। बट जैसे जैसे इनका रूल बढ़ता गया, 1820s में तो बड़े मजे में रहते थे, अच्छे से रहते थे, बट 1840s में यहाँ आप देखो ट्रेंड चेंज होना लग गया। अब ये खुद को राजा महाराजाओं की तरह डील करने लगे, अब सुपीरियर अथॉरिटी, यानी कि आप समझो कि पहले तो आपका टीचर आपसे बहुत प्यार से बात कर रहा है और तीन चार दिन आपको दिखा रहा है मैं तुम्हारा टीचर हूं, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, बहुत ही खड़ूस टाइप से। तो इसी तरीके से आप अपने बॉस की बात करो कि अगर बॉस तो आपसे स्टार्टिंग में तो बहुत प्यार से बात कर रहा है और फिर सडनली बहुत ही ऑप्रेसिव और बहुत ही बदतमीज खड़ूस टाइप का हो जाए, तो इस तरीके से इन्होंने करा। इनफैक्ट ये सिपाही को क्या करते थे, फिजिकली अब्यूज करते थे, मेंटली अब्यूज करते थे और गंदी गंदी बातें बोलते थे और भी बहुत गलत गलत काम सिपाहियों के साथ करते थे, उनको छुट्टी नहीं देते थे और जो वेजेस थी हमारे सिपाही की वो भी बहुत कम थी। तो इस तरीके का इन्होंने डीलिंग करी। आप देख रहे हो 1820s में अच्छे से रहते थे, 1840s में आप कह सकते हो इन्होंने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए थे ब्रिटिशर्स ने। अब अवध और यूपी और ये बंगाल, ये सब 1857 के रिवोल्ट में इन्होंने बहुत साथ दिया। क्यों, देखो जितने भी ये सिपाही थे, चाहे मेरठ के सिपाही हो गए, जितने भी कैंटोनमेंट के सिपाही थे, मेनली देवर विलेजर्स, अवध के विलेजेस से बहुत सारे सिपाही गए थे, तो देवर द अवध ओरिजिन ओनली एक, तो इसलिए जितने भी लोग थे नॉर्थ इंडिया के वो इकट्ठे आए and they started the collective rebellion. So this is what we have to study in this chapter. और जो हमारा अवध को जो बंगाल आर्मी थी ना, हमारी जो बंगाल की आर्मी थी उसको क्या बोला जाता है, नर्सरी ऑफ बंगाल आर्मी इज अवध, यानी कि जितने भी बंगाल आर्मी के सोल्जर्स हैं ना वो मेनली अवध ओरिजिन के थे, यानी कि वो अवध में पैदा हुए, बड़े हुए और फिर वो बंगाल की आर्मी में जाके काम करने लग गए। तो ये आपको याद रखना है कि नर्सरी ऑफ बंगाल आर्मी अवध है, ठीक है। और जितने भी हमारे मेनली जितने हमारे सोल्जर्स होते थे, सिपाही होते थे, ये अपर कास्ट जो अवध में ब्राह्मण्स वगैरह होते थे उनकी फैमिली को बिलोंग करते थे और इनको छुट्टी भी नहीं मिलती थी, इनको वेजेस भी बहुत कम मिलती थी। तो बहुत सारे रीजन थे जिसकी वजह से सब लोग इकट्ठे आए अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल एंड हमारा कलेक्टिव रिबेलियन हुआ। तो विद दिस टोटली हमारा टॉपिक 2 और 1 दोनों कंप्लीट हो गया, 1 और 2 टॉपिक हमने पढ़ लिया है। एज यू गाइज नो ये चैप्टर बहुत लेंदी है, तो आगे का चैप्टर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। गाइज सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक कर देना। एंड तुम्हें इस वीडियो के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स बहुत डिटेल में, बहुत तरीके से लिखे हुए इंस्टाग्राम आईडी पे मिल जाएंगे। कमेंट सेक्शन को चेक करो, कमेंट पिन कर रखा है सारे के सारे नोट्स क्लास 12th हिस्ट्री के, बाकी नोट्स बाकी सब्जेक्ट के इंस्टाग्राम से देख सकते हो। पॉलिटिकल इको इंग्लिश कुछ भी पढ़ना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है। एंड आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट दैट प्लीज इस वीडियो को अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर देना। और जो नेक्स्ट पार्ट है जिसमें मैं थर्ड टॉपिक्स आपको चैप्टर पढ़ाऊंगी, सारे पास डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जस्ट चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स प्रॉपरली। ओके सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन, अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।